पत्नी को पति का अर्धांगिनी कहा जाता है, जिसके अनुसार पत्नी के बिना पति अधूरा है। पत्नी ही उसके जीवन को पूरा करती है, उसे खुशहाली प्रदान करती है, उसके परिवार का ख्याल रखती है और उसे वो सब सुख प्रदान करती है वो जिसके योग्य होता है। पति पत्नी का रिश्ता दुनिया भर में बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है। चाहे सोसाइटी कैसी भी हो, लोग कितने ही मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते का रूप वही रहता है, प्यार और आपसी समझ से बना हुआ। लेकिन कई बार ऐसी खबरें आती हैं जो इस भरोसेमंद रिश्ते को भी दागदार कर देती हैं। ऐसी एक खबर चैनपुर थाना क्षेत्र के बहेरा गाँव से आई है, जहाँ एक कलयुगी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को डंडे से मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। घटना 13 अक्टूबर की है। मृतक राजमुनि चौधरी के पिता जवाहर चौधरी ने अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसी दिन अगराज नदी से राजमुनि चौधरी का शव बरामद हुआ था। अनुसंधान में पता चला कि उसकी हत्या की साजिश उसकी पत्नी ने ही रची थी और अपने प्रेमी के साथ मिलकर मछली मारने के बहाने नदी में ले जाकर डंडे से मारकर अपने पति की हत्या कर दी थी। घटना में शामिल मृतक की पत्नी और सुरेंद्र चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अन्य आरोपी अरुण चौधरी फिलहाल पुलिस की पकड़ से बाहर है, हालांकि जल्द ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने का दावा किया है। चैनपुर थाना क्षेत्र और हमारा जो निकटवर्ती जिला है गढ़वा, वहाँ के बॉर्डर पे एक हम लोगों को एक व्यक्ति का डेड बॉडी प्राप्त हुआ था और देखने से लगा था कि इसकी हत्या कर दी गई है और यहाँ पर लाकर भी फेंक दिया गया है। तत्काल पुलिस के द्वारा डेड बॉडी को कब्जे को लेकर के पोस्टमार्टम कराया गया और जब लगातार अनुसंधान किया गया तो पता चला कि इस व्यक्ति की हत्या उसकी पत्नी और उसकी पत्नी के प्रेमी ने मिल करके की थी डंडे से मार करके। अभी हम लोग दोनों को गिरफ्तार कर लिए हैं। इसमें एक और अभियुक्त है जो कि अभी फरार है। तीन लोग मिलकर के इस घटना को अंजाम दिए थे और दोनों जो गिरफ्तार अभियुक्त है उसको भी हम लोग हिरासत में भेज रहे हैं।